इसकी प्राइस की बात करें, प्राइस क्या होगी? मशीन 7 इंची आता है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये प्लाई कटर मशीन बता रहे हैं, कुछ पाइपें देख रहे हैं भैया, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आप बताइए। मैं चाहूंगा ये देखेंगे जेके ब्रांड में इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन है, 600 एम्पीयर है, 4.5। हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं नंदलाल गुप्ता। दोस्तों आज मैं आ गया गोरखपुर में, आप लोग को ये रोड देखिए, प्रॉपर एड्रेस की बात करें तो ये जो रोड आप लोग दिखाई दे रहा है ये धर्मशाला रोड है, और जस्ट देखेंगे आगे आप लोगों को मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये धर्मशाला का ओवरब्रिज, इसके जस्ट बगल में आपको मिल जाएगा और श्याम ट्रेडिंग कंपनी, यहाँ पर देखेंगे कृषि यंत्र जो भी होता है, हार्डवेयर होता है, मशीनरी मिल सारा आप देखिए डिटेल लिखा हुआ है, ये सारे छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं आपको देखने को मिल जाएगा। इधर देखिए कुछ कंप्रेशर मिल जाएंगे, इधर देखेंगे कुछ पाइप भी मिल जाएंगे, और इधर मैं दिखा रहा हूँ देखेंगे कुछ ड्रिल मशीन भी मिल जाएंगे, इस तरीके से जो ग्रास कटर है मैं मशीन दिखा रहा हूँ, और कुछ वेल्डिंग करने के जो मशीनें होते हैं छोटे छोटे जो बहुत सारे पार्ट है मैं दिखा रहा हूँ, एक एक करके सारी चीज़ें भी मैं आगे चल के सबको आपको डिटेल लेके करके दिखाऊंगा। ये देखेंगे कुछ इनको करके जो भी छोटे छोटे जो ग्राइंडर होते हैं, ड्रिल मशीन होती हैं, ये स्लाइसर जो कटिंग पता है इसका मुझे नाम है आइडिया, मैं आगे चल के सारा चीज़ें करके बताऊंगा। इस तरीके से छोटे छोटे आइटम आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। बाकी देखें कुछ स्पेयर पार्ट हो गया, रिंच हो गया, अंदर गोदाम की बात करें तो इधर देखें गोदाम बहुत सारे आपको रेंट बने हुए हैं, ऐसे करके देखें कंप्रेशर बहुत सारे मिल जाएंगे। कुछ देखिए ऊपर मैं दिखा रहा हूँ बॉक्सेस जो भी सारे हैं, तो भी सारे आप लोग देख सकते हैं। फाइनली मैं यहाँ कॉर्नर के पास आ गया हूँ, चलिए सब बातचीत करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। नमस्कार सर जी। नमस्कार भैया। सर जी आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? संतोष कुमार साहू। और ये आपकी जो शॉप है इसका एड्रेस और इसका नाम क्या होगा? श्याम ट्रेडिंग कंपनी, धर्मशाला रोड, गोलघर, गोरखपुर, नियर फ्लाई ओवर ब्रिज। अच्छा, ये जो धर्मशाला ओवर ब्रिज पड़ता है उसके बस बगल में है ना? जी जी जी। और सर आपके यहाँ मतलब क्या क्या मिल जाता है? हमारे पास टोटल हैंड टूल्स, पावर टूल्स का पूरा रेंज मिल जाएगा आपको। जैसे हमारे कुछ बीवर के दूर के होंगे, आसपास यहाँ आ नहीं पाएंगे, तो क्या आप डिलीवरी की व्यवस्था अवेलेबल करा देते हैं? डिलीवरी करा देंगे, ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, हमें डिलीवरी करवा देंगे। प्रोसेसर पार्ट में बात करें तो क्या क्या मिल जाएगा? टोटल हम जो भी मशीनें बेचते हैं, इंडियन बेचते हैं, उसके सारे स्पेयर पार्ट्स रखते हैं। सर एक बार मोबाइल नंबर अपना रिपीट कर दीजिए। 9936920630, 9936920630। दोस्तों देख सकते हैं सारे प्रोसेस आपके यहाँ वीडियो में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको रिपीट करना चाहूँगा कि जो यहाँ का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहाँ से विजिट कर सकते हैं। चलिए एक बार टाइम बर्बाद न कर सीधे कुछ कलेक्शन देखते हैं, तब तक देख सकते हैं एयर कंप्रेसर, इसके बारे में डिटेल्स बताइए भैया। इसका प्राइस भी कम से कम 8,500 से लगा है, 40,000 तक का है। 8,500 से 40,000 तक है। इसमें भी कुछ क्या केबिया का कुछ सिस्टम रहता है? डबल सिलेंडर, 2 हॉर्स पावर का है, 2 का मोटर लगा है। अच्छा, 200 पाउंड टंकी है। 200 पाउंड। ये कहाँ यूज होता है? एयर भरने के लिए एयर मशीन उप लगता है। एयर मशीन उप लगता है ना। अगर इसकी गारंटी वारंटी की बात करें तो क्या सिस्टम? मोटर की एक साल की वारंटी है, कंप्रेसर भी 6 मंथ की है। अच्छा, तो दोस्तों देख सकते हैं आपको ये एयर कंप्रेसर देखने को मिल पा रहा होगा। अब व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे तो सारी डिटेल दे देंगे, आपको फोटो मांगना चाहते हैं तो फोटो भी अवेलेबल करा देंगे। बाकी जो छोटे छोटे पार्ट बहुत सारे हैं तो मैं चलता हूँ एक एक करके आप लोगों को विजिट कराता हूँ। मशीन है, ब्रेकर मशीन है। हाँ। ठीक है, छत तोड़ तोड़ाई काम में आता है ये। अच्छा, ये हैमर मशीन है। ये हैमर मशीन है। ये ड्रिल मशीन है। अच्छा, ये कारपेंटर का सेंटर मशीन है। अच्छा, ये धुलाई मशीन मिल जाएगा, कार वाशर है। इन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएं, मतलब कितने फेज का होगा, कितने क्या होगा, ताकि हमारे व्यूअर जो जानना चाहते होंगे कितनी गारंटी वारंटी, थोड़ा डिटेल बताइए इसके बारे में। पावर टूल्स पे 6 मंथ आता है, केवल 6 मंथ सब पे आएगा। सब पे आएगा। ये सिंगल जो घर के लाइट से यूज कर सकते हैं ना, बोर्ड से लगा सकते हैं। सिंगल फेज की लाइट तो दोस्तों देखिए सिंगल फेज का है, इसका ड्रिल का पार्ट अलग से आपके यहाँ अवेलेबल हो जाता है। मिल जाएगा सब। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो भी ड्रिल के छोटे छोटे पार्ट हैं आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे, अलग से लेना चाहते हो तो अलग से भी ले सकते हैं, और बाकी अगर यहाँ पे देखना चाहते हैं लेना चाहते ले सकते हैं। ये सर होलसेल में कोई लेना चाहते होलसेल भी मिल जाएगा? होलसेल मिल जाएगा। होलसेल और रिटेल का रेट अलग होने वाला है? सेम होने वाला है, अलग हो। प्रेजेंट टाइम की बात करें आप होलसेल रेट बता रहे हैं रिटेल का? रिटेल का बता रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं रिटेल का बता रहे हैं, और मोटी मोटी हम बात करें तो अगर होलसेल में देगा तो कितना परसेंट आप डिस्काउंट और दे देंगे इसके अलावा? 20% हो जाएगा होलसेल। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये अगला पार्ट है, इसके बारे में डिटेल बताइए भैया। सर ये हैंड ग्राइंडर है। हैंड ग्राइंडर है, ठीक है। ये 3200 रुपये का है। 3200 का, तो ये मतलब ब्रांड कंपनी का? ब्रांड का, 6 मंथ वारंटी है। 6 महीने की वारंटी है। तो इसमें मतलब किस किसी पार्ट की आप लोग वारंटी देते हैं? ओनली मोटर का होता है, आर्मेचर फील्ड का। तो दोस्तों देखते हैं मोटर और आर्मेचर फील्ड का आपको मिलने वाला है, बाकी देख सकते हैं अलग से, बाकी पट्टी वट्टी सारे आपको मिल जाएंगे ना? फिर स्पेयर पार्ट अलग से मिल जाएगा। अलग से मिल जाएगा। इसके साथ जैसे कोई लेता तो क्या क्या देने वाले हैं? स्पेयर पार्ट भी देंगे कि अलग से कि वो क्या रहने? स्पेयर पार्ट अलग से नहीं आता, वो अलग से कंप्लीट आता है, इसी तरह मशीन आता। अगला पार्ट मैं दिखा रही थी बात करते हैं क्या है? एयर फिल्टर है। वो एयर फिल्टर है। ये कहाँ यूज होता है? ये लगता है न्यूमेटिक मशीन पर लगता है। अच्छा अच्छा। इसकी प्राइस की बात करें तो ये 4500 रुपये का। 4500 रुपये। अगला ये देख रहे हैं इसकी प्राइस की बात करें, ब्लोअर आपको मिल जाएगा कम से कम 750 से मिल जाएगा। 750 से मिल जाएगा। कम से कम 750 से लगा 4500 तक मिलने वाला है।
अब देख पा रहा हूँ हैंड ब्लोअर करें, बहुत सारे आइटम ऐसे ऐसे हैं जिसका मैं मुझे खुद नहीं पता हो पा रहा कल्चर स्प्रे मशीन, बाकी जो इस फील्ड से होंगे तो आइडिया लगा सकते हैं। बाकी देखें ये क्या है, ये चैनसा मशीन है, चैनसा मशीन है, इलेक्ट्रिक चैनसा मशीन है, इलेक्ट्रिक चैनसा मशीन आपको मिलने वाली है काटने के लिए काम, काफ़ी वेटेज दिखने में लग रही है, वजनदार लग रहा है, वजनदार। इसकी प्राइस की बात करें, प्राइस क्या होगी, ये आपका 3500 रुपये, 3500 ठीक है। इसके अलावा कुछ बॉक्सेस में चीज़ें देख रहा हूँ कि आपका ये सब क्या क्या, कुछ सब अलमेशर है, ये अलमेशर है, पावर टूल्स का अलमेशर है। तो दोस्तों देख सकते हैं सभी पीसों को अलग अलग दिखा पाना पॉसिबल नहीं, आप देख सकते हैं बॉक्सेस में बहुत सारी चीज़ें, एक दो पीस मतलब हमारे व्यूअर क्लब दिखा दीजिए बस, उसमें कुछ पीस निकाल करके, बाकी आप जब कॉल करेंगे व्हाट्सएप और डिटेल लेंगे तो सारी जानकारी लोग अवेलेबल करा देंगे। फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि जो यहाँ का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन या डायरेक्ट वहाँ से विजिट कर सकते हैं। ये देख पा रहे हैं इसका ये आर्मेचर है, पावर टूल्स में से लगता है दोस्तों, देख सकते हैं ये आर्मेचर पावर टूल्स में अलग से आप यूज़ करना चाहते हैं तो काफ़ी यहाँ पर अल्लाह के लगा सकते हैं इसमें, और इसके अलावा कुछ और मशीनों को मिल जाएगा, सारे मशीनों का अलग अलग पीस जो भी रहेगा मिल जाएगा आपको देखने को। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो CM6 करके है, सेम में क्या अलग है, वो अलग है, वो मार्बल कटर का है, थोड़ा उसको दिखाइएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये प्लाई कटर मशीन बता रहे ना CM6 का, अच्छा मैं देखा जो पहले देखा सेम एक ही जैसा दिखा था, दोनों में अंतर क्या है, इन लोगों का यूज अलग अलग होता है क्या, कुछ अलग अलग मशीनों का अलग अलग पार्ट्स है ये, अच्छा अलग अलग पार्ट्स हैं। इसके अलावा मैं देख पा रहा हूँ कुछ छोटे नीचे साइड में कुछ और भी कटर मशीन दिखाई दे रहा हूँ आपको, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। पाइप कटर मशीन है, पाइप कटर मशीन है, इसे बिल्डर लोग यूज करते हैं, 14 इंच पाइप कटर मशीन है। अच्छा तो ये कितने प्राइस में होगा, ये सर आपका 5000 से लगा है 14000 तक का, अच्छा 5000 से लेकर 14000 तक। इसमें किस किस पार्ट की आप गारंटी देते हैं, अलमेचर और फील्ड का केवल, और कितने साल या कितने महीने का, 6 महीने का आपको देखिए गारंटी वारंटी मिलने वाली है। बाकी आप यहाँ पाएंगे तो कुछ ना कुछ रेट जरूर कम हो जाएगा ना, फिर रेट कुछ कम हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ आते हैं बातचीत करते हैं रेट कुछ और भी कम हो जाएगा, पर जेंडम की बात करें नॉर्मल है आप लोगों को मैं विजिट करा रहा हूँ। इसके अलावा मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कुछ इधर ही छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये कुछ स्पैनर है, रिंच है, ये सारे चीज़ें आपको, इन सब बारे में थोड़ा सा डिटेल बताई भैया, स्पेयर पार्ट बहुत सारे हैं, मैं कुछ का एक एक पीस दो दो पीस दिखाते चल रहा हूँ भैया, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए क्या है। अच्छा थोड़ा सा इसको ओपन करेंगे क्या आप, एलन की सेट है, अब देख पा रहे होंगे जो एलन की सेट होता है पूरा, जैसे खास करके जो लोग कंपनी उम्पनी रहता है छोटे छोटे अपना वर्कशॉप बना रखे रहते हैं तो लगाते हैं, तो इस तरीके से आपको पूरा सेट वाइज मिल जाएगा। और इसकी प्राइस की बात करें, प्राइस क्या होगी भैया, 150 से लगा के आपको 220 रुपये तक मिलने वाले हैं, सबका रेट अलग अलग है, छोटे छोटे पार्ट बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, बहुत डिमांडेड चीज़ें आती रहती हैं, आप लोग बहुत काफ़ी दिन से डिमांड कर रहे थे तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट का वीडियो लेके आइए, तो फाइनली आप लोग का डिमांड भी मैं लेकर आया हूँ। और ये देखिए ये पहाड़िया, तपाड़िया कोई ब्रांड है क्या, ब्रांड है। तो दोस्तों देख सकते हैं जैसे भैया का कहना है तपाड़िया एक ब्रांड है, इसके प्राइस की बात करें तो 340। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि जो भी रेट आपको दिखाया जा रहा है ये सब रिटेल का रेट दिखाया जा रहा है, अगर आप होलसेल में लेते हैं मार्केट करने के लिए बिजनेस करना चाहते हैं तो सीधे आपको 20-25% और डिस्काउंट मिलने वाले हैं। और कुछ और देख पा रहे छोटे छोटे पार्ट और भी सारे हैं भैया, थोड़ा सा कैमरे को इधर दिखाइएगा, दोस्तों देखिए इधर कुछ नीचे हम दिखा रहे हो, देखिए कुछ कंप्रेसर का ये नट जो होता है, नट हो गया, बोल्ट, इस तरह की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ये कुछ वेयरिंग टाइप जैसे दिखाई दे रहा हूँ ये सारे मिल जाएंगे, छोटे छोटे पार्ट के स्पैनर बहुत सारे हैं यहाँ पे मिल जाएंगे, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ पाइप रिंच जिसको बोलते हैं, काफ़ी ये यूजफुल होने वाले हर जगह लगभग लोग मान चले प्लम्बर लाइन में 90% इसका यूज होना है तो होना है। इसकी प्राइस की बात करें, प्राइस क्या होगी भैया, ये 750 रुपये के आसपास में होने वाला है, रिटेल रेट में बता रहा हूँ फिर से, अगर जो भी आपको छोटे से बड़ा साइज इनके पास मिलने वाला, फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा जो रेट में बता रहा हूँ कैमरे आपको ये रिटेल प्राइस है, सीधा आप होलसेल मिलेंगे 20-25% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये किसका रहता है, आयरन रहता है या एल्युमिनियम क्या रहता है, आयरन रहता है, इसका तो कोई गारंटी वारंटी का चीज़ तो होगा नहीं, फिर ये ब्रांडेड, ये ब्रांडेड आपका देख पा रहे मिल जाएगा, इस वाटर पंप प्लायर बोलते हैं, प्लायर इसका नाम वाटर पंप प्लायर बोलते हैं, इस तरीके से मिल जाएंगे। बाकी मैं दिखा रहा हूँ बॉक्सेस में कुछ और सारी चीज़ें दिख रही हैं, मतलब ये ग्रीस गन बोलते हैं, ट्रैक्टर उट्रैक्टर ग्रीस मारने के लिए आता है, ये देखिए आपको ग्रीस गन मिल जाएगा, ये ट्रैक्टर उटर में जो काफ़ी यूज करने के लिए हुआ, जो इस लोग इस फील्ड से होंगे ऑलरेडी उन लोगों को आइडिया लगता होगा। बाकी मैं दिखाते चला, इधर मैं अंदर कुछ दिखा रहा हूँ, फिर वर्कशॉप में ऑलरेडी मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि धर्मशाला पे हैं और धर्मशाला जस्ट ओवर ब्रिज के पास हैं और बहुत बड़े लेवल पे इनका काम है। इधर देखो कुछ पाइपें दिख रहे हैं भैया, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए, ग्रीस गन का पाइप है भैया, ग्रीस गन का पाइप है ठीक, और ये कंप्रेसर का पाइप है, ये सब कहाँ यूज होता है, ये कंप्रेसर लगता है जो बाहर का चलेगा, इधर देखिए कुछ बहुत सारे पार्ट्स रखे हुए हैं, सब घिरनी है, ये कहाँ यूज होता है, खास करके मुझे जो क्रेन टाइप रहता है ना, क्रेन में सामान उठाने, सामान उठाने उठाने जो लोडिंग अनलोडिंग वाले सिस्टम होते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें यूज होती हैं। बाकी देखेंगे इधर अभी कुछ छोटे छोटे हथौड़े हैमर जैसे इस तरीके से आपको यूज करने के लिए मिल जाएंगे, प्राइस की बात क्या हो गए, 120 रुपये, मतलब छोटे बड़े सारे आएंगे ना, सारे साइज में इस तरीके से आपको साइज मिलने वाले हैं। और बाकी देखेंगे कुछ
जो डिब्बे छोटे छोटे हैं बॉक्सेस इसमें रखे हुए हैं और गोटी रिंच बहुत सारे इस पर छोटे छोटे पार्ट जैसे, इसका बारे में बताइएगा थोड़ा सा। ये आर्गन वेल्डिंग मशीन का टार्च, आर्गन वेल्डिंग मशीन का टार्च होता है। और इस तरीके से मैं देखूँ कुछ इधर इस बॉक्स में देखिए कुछ इसका क्या है, एयर भरने के लिए, एयर भरने के लिए यूज होता है। मतलब जो भी आपको बॉक्सेस छोटे छोटे डिब्बे दिखाई दे रहे हैं, देखिए ऑलरेडी इन्होंने सबका नाम लिख रखा है, CTC जो भी है अपना, सेफ्टी वॉलपेपर जो भी है, तो सारे नाम लिखे। इधर कंप्रेसर बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। सर ये 500 पाउंड का है, बड़े टंकी में है। अच्छा, इसके प्राइस की बात करें तो ये सर आएगा आपको 30,000 का, 30,000 का आने वाला है। 2 HP में है ये, 2 HP में है, ठीक है। तो अगर आने के बाद कुछ कम फ्यूचर रेट हो जाएगा, आने के बाद कुछ कम हो जाएगा। अच्छा, मेरे चैनल के थ्रू आता तो कुछ डिस्काउंट उसको अलग से मिलने वाले, लेस मिल जाएगा सर आने के बाद। दोस्तों देख सकते हैं अगर चैनल के थ्रू कोई आता तो कुछ ना कुछ जरूर लेस हो जाएगा। बाकी मैं इधर दिखाना चाहूँगा, देखेंगे इधर बहुत सारे इनके कुछ छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स बहुत सारे हैं आपको। कुछ पेंट क्या बता रहे भैया इसका, कार्बन, ये हैंड पावर टूल्स मशीन आता है उसका कार्बन है। तो दोस्तों हैंड पावर कार्बन, ये सारे मशीनों का कार्बन अलग अलग आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से कुछ हैंड पावर टूल मशीन होती है उसके कार्बन मिल जाएंगे, जो ब्रांडेड होते हैं उसके भी मिल जाएंगे, जो नॉन ब्रांडेड होते हैं उसके भी मिल जाएंगे। बाकी आप देखें लाइन से बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स ऑलरेडी यहाँ पे लगे हुए हैं, स्प्रे पेंट मिल जाएंगे। इसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा इधर कुछ छोटे से, कैमरे को थोड़ा नीचे कीजिएगा सर। ये कटिंग व्हील जितने होते हैं लोहा जो कटिंग होता है ग्राइंडर में जो यूज होता है, तो छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट होंगे इधर देखेंगे आपको, खास कर कटिंग के लिए यूज होता है। तो 4 इंच मतलब कितने से कितने रेंज तक है, 4 इंच लगाया 14 इंच तक के, 4 इंच से 14 इंच तक आपको मिलने वाले बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। इधर मैं कुछ अलग से पाइप देख रहे हैं, इसके बारे में बताइए। ये आपको वेल्डिंग करने वाला वायर होगा, इसके बारे में कुछ रेट वेट बताएंगे सर। साइज के ऊपर आता है, साइज के ऊपर आता है, मतलब कितने एमएम से कितने एमएम कुछ हो। 16 स्क्वायर एमएम से मिल जाएंगे आपको 50 स्क्वायर एमएम तक का। दोस्तों देखिए 16 mm² से लेकर के 50 mm² मिलता है, सबका रेट अलग अलग होने वाला है। इसके बारे में बताइए भैया, इसके क्या क्या पार्ट का नाम है। ये चैनसा मशीन है, पेट्रोल वाली है, ये पेट्रोल वाली चैनसा मशीन आपको मिल जाएंगे। ये छोटे बड़े भी मिलते होंगे ना फिर। 16 इंची से लगा है 22 इंची तक का मिल जाएगा। ये कितने इंची का, ये 16 इंची का है। तो दोस्तों देख सकते हैं 16 इंच का होने वाला, इसके प्राइस की बात करें प्राइस क्या होने वाली। 6,000 से लगा भैया 14,000 तक का मिल जाएगा आपको, 6,000 से 14,000 के मिलने वाले ब्रांड में। अगर गारंटी वारंटी की बात करें तो 6 मंथ की वारंटी आएगा, 6 महीने का आपको वारंटी रहेगा। वारंटी किस किस चीज़ की देने वाले हैं आप। इंजन का होता है, इंजन दगने का, इंजन दगने का होता है, 6 महीने वो एक्सचेंज करके देते होंगे ना। ब्रांड में दिखा दीजिए चैनसा मशीन के, इनके देखिए बहुत सारे ब्रांड का है, देखिए किसान क्राफ्ट करके है, इधर देखिए फॉरेस्टर करके है, इधर किल चैनसा करके, मतलब ऑलरेडी बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांड की इन्होंने ले रखा है। फिर इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखेंगे जेके ब्रांड में इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन है, और इसके बारे में डिटेल बताइए भैया। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन है, कम वोल्टेज में चलने वाली है, कम वोल्टेज में चलने वाली है, 1 साल वारंटी है इसकी। अच्छा। ये कितने एचपी का कुछ इसके बारे में कुछ होगा। एम्पियर से आता है, एम्पियर से आता है ना, 220 एम्पियर लगा है, 400 एम्पियर तक का मिल जाएगा आपके पास। 2 फेस सिंगल फेस। अच्छा, 2 फेस सिंगल फेस, 3 फेस भी होता है क्या इसका। 3 फेस भी आता है आपके पास, अवेलेबल हो जाएगा, अवेलेबल है। अच्छा, इसमें इसका रेट की बात करें रेट कितने होने वाले हैं। इसमें कम से कम 5,500 से लगाया भैया 25,000 तक। अच्छा, गारंटी वारंटी की बात करें तो 1 साल वारंटी है, 1 साल वारंटी आपको मिलने वाले। इधर मैं कुछ दिखाऊंगा, उधर देखेंगे आप कुछ ड्रिल मशीन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये कुछ बड़ी ड्रिल मशीन है, इसके 5 फुट का है, 1 इंची सादा है, 1 इंची गियर है। अच्छा, इस तरीके से देखें आपको वेल्डिंग मशीन देखा, ड्रिल मशीन देखने को मिल जाएंगे। इधर मैं कुछ वेल्डिंग मशीन का पार्ट और दिखा रहा हूँ, बड़े साइज में। कितने क्या अच्छी है, ये 320 एम्पियर का है, सिंगल फेस डबल फेस है, 18,500 होने वाले हैं। इसके अलावा आपको किस किस ब्रांड का ये सारे मिल जाएंगे। निक्को का मिल जाएगा, जेसिक का है। अच्छा, जेसिक के निक्को का, इस तरह के सारे मिल जाएंगे। श्याम का ट्रांसफार्मर वेल्डिंग मशीन मिल जाएगा, इधर लगा हुआ है। इधर देखें ट्रांसफार्मर भी मिल जाएंगे छोटे जो, और किस ब्रांड का ये। श्याम का है, ये कॉयल वाली वेल्डिंग मशीन होती है, कॉयल वाली वेल्डिंग मशीन होती है, आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए वेल्डिंग मशीन है, बड़े साइज में मिल जाएगा। इधर देखिए ट्रांसफार्मर और मैं दिखा रहा हूँ, इधर देखिए श्याम का ये भी है। कितने इसका क्या एम्पियर भी रहता है। ये 600 एम्पियर है, 450 एम्पियर मिल जाएगा। अच्छा, इसके 600 एम्पियर की प्राइस की बात करें तो 600 एम्पियर भैया पड़ेगा आपको 28,000 का। ये 28,000 का, और ये क्या डबल फेस। जो 400 एम्पियर का होगा वो आपका 16,500 का है, ये रिटेल रेट बता रहे ना। हाँ, तो दोस्तों देख सकते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो यहाँ का रेट बताया जाए वो रिटेल का रेट है। अगर आप आते हैं कॉल करते हैं तो फिर ये रेट कुछ ना कुछ जरूर कम हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं जो भी यहाँ छोटे छोटे पार्ट होते हैं मशीनरी आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर आप डिलीवरी जो लोग दूर से हैं वो लोग अवेलेबल कराना चाहते हैं तो भी अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में।